यहाँ से अगर बंदा गिरे ना भाई साहब, कसम से यार बचने के ना कोई भी चांस नहीं है। ये लोग बहुत प्यारे हैं यार, बहुत ही स्वीट लोग हैं, बाहर के बंदे को ना बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक से होंगे। एंड अभी फिलहाल का सीन है कुछ इस तरह से भाई साहब, अभी मैं इधर आया था छत पे बिकॉज मेरे को वीडियो अपलोड करनी थी, तो रूम में थोड़ा बहुत नेटवर्क कम था। एंड अभी फिलहाल चलते हैं, चल के फ्रेश वगैरह होते हैं, तो उसके बाद करते हैं ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद देखते हैं कैसा सीन रहता है कैसा नहीं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो अभी फिलहाल मैं पहुंच गया हूं पुंछ के एक गांव में जिसका नाम है शायद मगनाड़ है नाम इसका। पुंछ से मतलब 6-7 किलोमीटर नीचे वाली साइड में पड़ता है, जलास वाली साइड में, तो थोड़ा बैकवर्ड एरिया है ये वाला। एंड अभी पीछे देख पा रहे होगे आप, यहाँ पे है एक पेड़, वो बोलते हैं जिसको हम अपनी जबान में नाक का, अभी मैंने जस्ट यहाँ से उतार के खाई है। मैं ना मतलब उस वाले पहाड़ के नीचे उतरा था एंड वहाँ से यहाँ तक पैदल आया हूँ भाई साहब। इधर कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है एंड यहाँ पे देख सकते हो मतलब मैक्सिमम इस एरिया में जो है पाइन ट्रीज ही हैं। तो ये चेक करो भाई, ऊपर वाले एरिया में थोड़ी बहुत ही बारिश स्टार्ट होने वाली है बिकॉज फॉग है ना जो ऊपर पहाड़ पे आई हुई है। अभी चलते हैं थोड़ा इससे ऊपर तो देखते हैं और क्या क्या नई चीज हमको देखने को मिलती है। तो गाइस अभी मैं रास्ता भी भटक गया हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं है रास्ता कहाँ से जाता है, बट मैं ना ऐसे ही घास से जा रहा हूँ। चलो देखते हैं कहाँ निकलते हैं। ये देख पा रहे हो भाई साहब, यहाँ पे ना ज्यादातर आप लोगों को पाइन ट्रीज ही देखने को मिलेंगे। सो फाइनली गाइस यहाँ पे पहुंच के ना कसम से यार क्या फीलिंग आती है बंदे को, मतलब एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो क्या गूस बम्स आ रहे हैं यार। एंड मेन चक्कर है यहाँ के ना लोग बहुत प्यारे हैं यार, बहुत ही स्वीट लोग हैं, बाहर के बंदे को ना बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। हाँ मतलब ये फैसिलिटी वगैरह के मामले में थोड़ा बैक है बिकॉज यहाँ पे थोड़ा बॉर्डर का एरिया है तो समझ सकते हो आप लोग, बट यहाँ के लोग हैं ना जो भाई साहब बहुत ही प्यारे हैं, एक नंबर लोग हैं। एंड अगर ब्यूटी के हिसाब से देखा जाए तो भाई साहब क्या बोलें यार, ये गाँव ना नंबर फर्स्ट पे जा रहा है। तो भाई साहब क्या ठंडी ठंडी हवा मिल रही है यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे पाइन ट्रीज की क्वांटिटी है जो बहुत ही ज्यादा है, तो उसकी वजह से बंदे को ना मतलब फ्रेश हवा देखने को मिलती है। वो जो उस साइड वाला आपको एरिया दिख रहा है जहाँ पे बादल है उसके नीचे वो वाला एरिया है जो भाई साहब वो पाकिस्तान का एरिया है। सो गाइस ये चेक करो पूरा व्यू। एंड भाई अभी मेरे को भूख है ना जो अल्टीमेट लेवल की लग रही है बिकॉज पूरा दिन ना मेरे को यहाँ पे गांव में कोई शॉप ही नहीं मिली। एंड अभी चलते हैं नीचे रोड में शॉप होगी शायद, वहाँ पे चलते हैं वहाँ से कुछ लेते हैं, तो वहीं पे कुछ खाएंगे यार, इधर तो कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ से अगर बंदा गिरे ना भाई साहब कसम से यार बचने के ना कोई भी चांस नहीं है, ये चेक कर सकते हो आप लोग, सीधा नीचे रोड में जाए बंदा। मैं तो भाई अपने एरिया को बहुत ज्यादा डेंजर मानता था बट ये ना कसम से उससे भी डेंजर है यार। अभी कुछ इस टाइप के रास्ते से जा रहा हूँ भाई साहब, चारों तरफ देख पा रहे हो जंगल ही जंगल है एंड बीच से जा रहा हूँ, तो ये रास्ता मिला है मेरे को नीचे जाने के लिए, बट देखते हैं ये कहाँ पे निकलता है, मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है। आई थिंक ये वाले सामने घर है, यहीं से नीचे जाएगा। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं देखते हैं। तो फाइनली गाइस किसी भी तरह से मैं निकल के नीचे तो आ गया हूँ भाई साहब, क्या बोलें यार कसम से क्या भूतिया भूतिया रास्ते हैं इधर। एंड अभी फिलहाल चलते हैं रोड में, वहाँ से लेते हैं गाड़ी तो सीधा रूम के लिए निकलते हैं। यार भूख मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा लग रही है यार, क्या बोलें। एंड सबसे पहले चलते हैं कोई शॉप ढूंढते हैं, तो शॉप भी ऑलमोस्ट रोड ही में मिलेगी, तो मेरे को यहाँ से रोड ये नीचे है भाई साहब यहाँ पे जाना पड़ेगा, ये देख रहे हो यहाँ पे। एंड यहाँ से फिर देखते हैं कोई गाड़ी मिलती है ठीक है, अदरवाइज पैदल ही निकलना पड़ेगा मेरे को इस एरिया में ना भाई साहब, मेरे को डर बहुत ज्यादा लग रहा है कसम से, भूतिया वाला रास्ता है यार, ये देख रहे हो भाई ये देखो। सो भाई लोग अभी अपनी हालत है जो बहुत ही बदतर हो चुकी है बिकॉज मेरे को इतना ज्यादा पसीना आया ना भाई साहब, गर्मी इतनी ज्यादा है ना, मैंने ना ये ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई है इसलिए आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट कसम से यार क्या बोलूं भीगी हुई है पूरी। हूँ किसी भी तरह रोड में पहुंचना पाओ नहीं के मेरा भाई गड्डी नस जाए गड्डी नहीं लभन लगी।
सो फाइनली गाइस अभी रूम में पहुंच चुके हैं। भाई साहब गर्मी ना कसम से नेक्स्ट लेवल की हो रही है, तो चलते हैं सबसे पहले नहाते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं एंड भूख भी लग रही है तो कुछ खाते भी हैं, तो उसके बाद ही मिलेंगे आप लोगों से। A few moments later. So finally guys, अभी नहा धो के हो चुके हैं फ्रेश एंड खाना पीना भी हो ही चुका है, तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी बिकॉज दिन को ना मैंने कुछ खाया भी नहीं था एंड अभी फिलहाल यार क्या करें, कोई काम तो है नहीं। तो आज के बाद के जो व्लॉग हैं वो भी मतलब गांव की ट्रिप पे होने वाले हैं बिकॉज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ हर एक विलेज को। एंड अगर आप लोग भी किसी पुंछ के विलेज से हो तो भाई साहब कमेंट करना जरूर, मैं आपके गांव में भी जरूर आऊँगा। एंड फिलहाल आज की वीडियो को मैं यहीं पेंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, भाई साहब शेयर ज़रूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो फाइनली गाइस अभी नहा धो के हो चुके हैं फ्रेश एंड यार ये सेपा है ना इधर, कोई बंदा अगर वीडियो बनाए ना तो ये हालत है। तो अभी नहा धो के हो चुके हैं फ्रेश